हम लोग का जो रिएक्शन है फ्राइस रेरेंजमेंट, ये कहा गया कि यह दो प्रकार के मैकेनिज्म से आपका रिएक्शन करता है। कौन कौन सा मैकेनिज्म है? तो एक तो आपका है इंट्रामॉलिक्यूलर और दूसरा क्या हम लोग का है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर तब करेगा जब जो हम लोग यहां पर AlCl3 लिए हैं इसका हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर एडिशन करेंगे तो हम लोग के पास आएगा। और दूसरा जो मैकेनिज्म है ना, दूसरा जो मैकेनिज्म है उसमें क्या करते हैं हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर, उसमें क्या करते हैं इस मॉलिक्यूल से ही ऐसे है ना एसीटेट आयन हम लोग बाहर निकालते हैं, एसआईल आयन को हम लोग बाहर निकालते हैं, है ना, को हम लोग बाहर निकालते हैं। कैसे करते हैं? तो हम दोनों के डिफरेंस को समझते हैं किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो एक एक करके दोनों देखें, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में देखते हैं कैसे होता है। देखिए क्या होता है, हम लोग के पास क्या है AlCl3 है। क्या हम लोग के पास है AlCl3 है। इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस सोर्स है। ये क्या करेगा इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या करेगा एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन देगा। तो देने से आपका क्या होगा सिंपली देखिए ये जो था एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन्स दिया, एल्युमिनियम पहले से न्यूट्रल था, इसका मतलब क्या है कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आएगा और घटेगा किसका, तो इस ऑक्सीजन का हम लोग का घट जाएगा। क्या होगा हम लोग का इस ऑक्सीजन का घट जाएगा। अब इसके घटने से क्या हो गया तो सिंपली ये कहेंगे कि इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, अब इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब कैसे इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है तो कुछ नहीं ऐसा करें सिंपली कि इस इलेक्ट्रॉन्स को अगर डोनेट कर देंगे तो क्या हम लोग का ये हम लोग का आयंस खुल जाएगा, क्या हम लोग का खुल जाएगा। साथ हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ हम लोग का ये CH3CO- है ना, इसका हम लोग का ये आयन हम लोग का बाहर निकल जाएगा, क्या हम लोग का ये बाहर निकल जाएगा। अब इसके बाहर निकलने से क्या हुआ तो यहां से आपको SI है ना SINM आयन का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि क्या हम लोग का था एक तरह का न्यूक्लियोफाइल का, कैसा था हम लोग का एक तरह का न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हम लोग का। तो पहले क्या किए इस आयन का हम लोग फॉर्मेशन कर लिए, फॉर्मेशन करने से क्या हम लोग के पास आ गया हम लोग का जो बचा है वो क्या बचा आपका सिंपली इस टर्म को देखिए हम लोग के पास OP प्लस था जो कि इलेक्ट्रॉन्स मिला न्यूट्रल हो गया AlCl3 ये हम लोग का बच गया और साथ में उनका क्या रहा ये कॉम्प्लेक्स हम लोग का बच गया। अब इसका रिएक्शन किससे करना है तो इसका रिएक्शन आपको करना है ये CH3CO- से करना है और कैसा हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस करना है। ये सिंपली इस तरह रिएक्शंस हम लोग कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2 है ना H2O के प्रेजेंस में तो हम लोग के पास क्या होगा सिंपली हम ऐसा कहेंगे यहां पे कि यहाँ पे तो आपका SIR ग्रुप बन जाएगा और साथ में क्या हम लोग आएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। तो ये कहा गया कि यह जो फ्राइस रेरेंजमेंट है उसमें क्या कहा है कि जो हम लोग के पास एस्टर था उसके SIR ग्रुप को किस पोजीशन पे ऑर्थो, इसको क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन हम लोग का रहेगा। तो पहला हम लोग का इस तरीके से रेरेंज किया है इंट्रामॉलिक्यूलर। हम लोग अब समझते हैं इसके मैकेनिज्म कौन सा इंट्रामॉलिक्यूलर, दोनों में डिफरेंसेस क्या है अब इंट्रामॉलिक्यूलर को समझते हैं। तो देखिए हम लोग के पास सेकेंड हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट इसको देखते हैं ये किस तरीके से हम लोग के पास करेगा। ये किससे आपका रिएक्शन किया था तो AlCl3 से रिएक्शन किया था, अब तो बनाया क्या था ये हम लोग का बना था इस तरीके से आपको इंट्रा मॉलिक्यूल क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर हो यानी उसी मॉलिक्यूल्स में बना। तो क्या होगा कि यहां जो हम लोग के पास SIR ग्रुप लगा हुआ है इसमें कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है यानी ऑक्सीजन के पास क्या है प्रायोरिटी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके, या ऐसा कहेंगे कि यहां पोलराइजेशन होने से डेल्टा माइनस आ जाएगा यहां पे क्या हम लोग का डेल्टा प्लस चार्ज अपीयर होगा। अब डेल्टा प्लस यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, कहां से इलेक्ट्रॉन मिल सकता है तो सोर्स है आपका डबल बॉन्ड, तो क्या करेगा इस डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन हम लोग का लेके क्या होगा इस डबल बॉन्ड से हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब देखिए
जब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तो इसको डोनेट करने से क्या हो जाएगा, यहां एक्स्ट्रा बॉन्ड होगा, इसका क्लीवेज हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या आपका बन जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स था इससे बॉन्ड बना लिया, क्या हम लोग यहां पर CO CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन घटेगा किसका, इस वाले पे। यहां से हम लोग डबल बॉन्ड को हटा चुके हैं, यानी यहां पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, और यहां क्या हम लोग का बचा O AlCl3, ये हम लोग का बच गया। अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, अब ऐसा करते हैं कि हम लोग अगर यहां पर H2 मॉलिक्यूल किसको लेके आए, या सिंपली अभी ऐसा भी कर सकते, देखिए यहां से यहां प्लस चार्ज है, यहां से अगर हम ऐसा काम करते हैं कि H प्लस आयंस को बाहर निकाल लें, क्या क्या कहा गया हम लोग का, यहां अगर हम लोग डीप्रोटोनेशन को करते हैं, अगर डीप्रोटोनेशन को करेंगे H प्लस को बाहर निकालेंगे, हम लोग के पास क्या आएगा, यहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं यहां से H प्लस को बाहर निकल, यहां नेगेटिव चार्ज हम लोग के पास आ जाएगा, ये CO CH3 हम लोग का रह गया, यहां O AlCl3 ये हम लोग का ऐसे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अपना डोनेट कर लेगा, हम लोग का क्या पे डबल बॉन्ड हम लोग के पास आ जाएगा, इसके आने से प्लस चार्ज हम लोग का जो भी था प्लस चार्ज हम लोग का वो कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा आइटम्स। अब देखो अगर हम लोग इसका रिएक्शन H2O पिछले प्रोसेस में हम लोग हाइड्रोलाइसिस किए थे लास्ट में H2O से करेंगे H+ आयन से, तो सिंपली हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का रिएक्शन कर लेगा, हम लोग का क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेके आ जाएगा, और साथ हम लोग का जो है ऑर्थो पोजीशन पे हम लोग का SI ग्रुप का फॉर्मेशन हम लोग का हो जाएगा। इस तरीके से फिर से देखें यहां पे क्या हम लोग का हुआ, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन एज अ मेजर प्रोडक्ट है, ये हम लोग का फॉर्मेशन। ये हम लोग कंप्लीट हो गया रिएक्शंस प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसमें हम लोग ये देखें कि फिनॉल जो था वो रिएक्शन करके हम लोग का पहले एस्टर बनाया, और एस्टर जो था AlCl3 से रिएक्शंस करके ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन का